वेलकम टू MR क्लासेस। आज हम देखेंगे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी कि 4 दिवसीय एफलेंट ट्रेनिंग में आपका जो 4 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है उसमें आपको द्वितीय दिन यानी सेकेंड डे आपको क्या क्या बताया जाएगा। तो सेकेंड डे जब आपकी शुरुआत होगी सेशन की तो पिछले जो फर्स्ट डे आपको जो बताया गया था उसका रिविजन कराया जाएगा। उसके बाद आपको इसके उद्देश्य बताए जाएंगे, बुनियादी गणित क्या है, इसके कौशल, उपयुक्त दृष्टिकोण और पद्धति को समझना व उपयुक्त दृष्टिकोण व पद्धति के अनुसार गतिविधियों का निर्माण करना। नेक्स्ट जो आपको रहेगा वो रहेगा सामग्री विवरण क्या क्या रहेगी यानी PPT रहेगा, आलेख रहेगा, वीडियो का लिंक रहेगा। उसके बाद गणित बुनियादी गणित के कौशल क्या है निपुण भारत के संदर्भ में, जैसे अवलोकन, तर्कना, विजुलाइजेशन, सहभागिता, समस्या समाधान, संप्रेषण, रचनात्मकता और सामान्यीकरण, ये सब आपके बुनियादी गणित कौशल रहेंगे निपुण भारत के संदर्भ में, ये सब आपको बताया जाएगा। उपयुक्त दृष्टिकोण और पद्धति क्या है यानी कि अनुभव, भाषा और चित्र और प्रतीक, ये ELPS अप्रोच रहेगी यानी एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर्स एंड सिंबल्स। तो गणित के बारे में बताया जाएगा, अनुभव साझा करना और कक्षा 1 से 3 तक की गणितीय दक्षताओं पर जो चर्चा है वो उस पर की जाएगी। NCF 2005 द्वारा सुझाए गए बिंदु क्या हैं उन पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 है उस पर आपको चर्चा की जाएगी। उसके बाद गणित की अवधारणाएँ अमूर्त होती हैं यानी गणित की प्रकृति बताई जाएगी, यानी पहले बच्चा जो है कॉन्क्रीट चीज़ें देखता है, समझता है यानी कि स्थूल जो चीज़ें हैं उनको, फिर उनको उस आइकॉनिक जो सिंबल है, आइकॉनिक मतलब उसका रूप कैसा है, वो आकार आकृति समझता है, उसके बाद उसको सिंबॉलिक यानी उसकी प्रकृति समझता है, उसकी आकृति। नेक्स्ट आपको बताया जाएगा गणित में सोपान क्रमिकता होती है यानी कि गणित की अवधारणाएं सार्वभौमिक होती हैं। गणित की अंग्रेजी प्रकृति को समझने के लिए इस सवाल का उत्तर दें, जैसे 2 और 2 हमेशा 4 होता है यानी कि जनरलाइजेशन होता है, कोई भी अगर बात गणित में बताई जाती है तो वो सार्वभौमिक होती है, अगर किसी एक स्थान पर वो चीज़ कुछ है तो वो दूसरे स्थान पर भी वही चीज़ होती है, ना कि कुछ बदल जाती है। प्रारंभिक स्तर में गणित सीखने सिखाने में क्या समस्याएं होती हैं, जो गणित की संचयी प्रकृति होती है, दैनिक जीवन के अनुभवों से जुड़ा का अभाव होता है, शिक्षकों के विश्वास, समझ और शैक्षणिक अभ्यास का कक्षा कार्य का प्रभाव क्या है, गणित को मानक विधियों की टोकरी के रूप में देखना, ये सब गणित सीखने की समस्याएँ हैं। अब बात करते हैं गणित शिक्षा के संसाधन क्या हैं, तो चर्चा के मुख्य बिंदु हैं गणित शिक्षा, गणित किट है, पोस्टर्स हैं, गणितीय वर्क कार्ड है। तो गणित किट में आपको कई चीज़ें दी रहेंगी, जैसे संख्या ज्ञान के लिए एक घड़ी दी रहेगी, उसके बाद पांसे हैं और बेलनाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, ये सब आकृतियाँ भी दी रहती हैं, रुपये पैसे दिए रहते हैं, रस्सी दी रहती है, तो ये सब बातें आपको उनके माध्यम से गणित किट में के माध्यम से बच्चों को बतानी रहेंगी। उसके बाद पोस्टर्स दिए रहते हैं, इसमें कौन सा चित्र कहाँ पे है, दूर पास की समझ इसमें विकसित होती है, गिनती सिखाने के लिए बोर्ड किस तरीके होना चाहिए, जोड़ के लिए चार्ट, मास्टर ट्रेनर के लिए गतिविधि भी कराएंगे मास्टर ट्रेनर जो आपको वहाँ ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद अवधारणा बोर्ड जो है ये आपको बताया जाएगा, अवधारणा बोर्ड पर स्थानीय मान कैसे निकालते हैं कक्षा 1 और 2 के लिए, ये गतिविधि भी आपको कराई जाएगी। गुणा के लिए चार्ट आपको बताया जाएगा, संख्यापूर्व अवधारणाएं जैसे छोटा बड़ा, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, एक जैसी छांटो, अलग को पहचानो, तुलना करना, क्रम में लगाना, ये सब आपको बताया जाएगा। समीकरण के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, जैसे स्थानिक समझ जीवन कौशल से जुड़ी हुई, संख्यापूर्व दक्षताएं क्या हैं संख्या ज्ञान से संबंधित, ये स्थानिक समझ में छोटा बड़ा, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, एक जैसी छोटी संख्या, अलग को पहचानो। उसके बाद संख्यापूर्व ज्ञान क्या है, तुलना करना, क्रम में लगाना, एक एक की संगति करना,
वर्गीकरण करना, संख्या ज्ञान से संबंधित 1 से 10 तक या 1 से 20 तक की गिनती गिनना, ये सब आपको डे 2 में आपको बताया जाएगा। संख्या पूर्व अवधारणाएँ क्या हैं, यानी कि वस्तुओं की गिनती और 10 तक संख्याओं को सह संबंधित करना, 10 तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना, वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में 2 समूहों की तुलना करना और अधिक कम बराबर आदि जैसे शब्दों का उपयोग करना, एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित करना, वस्तुओं को उनके अवलोकन विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और वर्गीकरण के मानदंड का संचार करना, अपने चारों ओर के विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में तुलनात्मक शब्दों का उपयोग करना, जैसे लंबे, सबसे छोटे, से अधिक, हल्के आदि। इस तरीके के समेकन के मुख्य बिंदुओं की बात करना, जैसे संख्या पूर्व अवधारणाएँ, छोटा बड़ा, दाएँ बाएँ, ऊपर नीचे, आगे पीछे, एक जैसा, छोटी अलग की पहचान करना, तुलना करना, क्रम में लगाना, एक एक की संगति करना। तो ये आपको बताया जाएगा डे 2 में। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे डे 3 में कौन कौन सी गतिविधि आपको कराई जाएगी। थैंक यू।